राफेल लड़ाकू विमान को लेकर सीबीआई और ईडी पर लगे रिश्वत के इल्जाम की क्या है सच्चाई? कांग्रेस नेता ने भाजपा पर क्यों लगाया भ्रष्टाचार का इल्जाम? कांग्रेस नेता के इल्जामों पर क्या बोले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा? क्या अमित शाह से अच्छे रिश्ते के चलते दशा एविएशन ने ली सुषेण गुप्ता की सेवाएं? नमस्कार, मैं हूँ दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं दो बोल। राफेल लड़ाकू विमान डील मामले में एक फ्रेंच मैगजीन ने दावा किया है कि सीबीआई और ईडी को बिचौलिए के घूस लेने की जानकारी थी। देश की राजनीति इस मामले पर इन दिनों बेहद गरमाई हुई है। राफेल डील मामले पर आज तक न्यूज चैनल के डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया। खेड़ा ने कहा कि यूपीए सरकार 526 करोड़ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सौदा कर रही थी। भाजपा ने 16,070 करोड़ में डील पूरी की, लेकिन टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने डील और घूस को अलग अलग मामला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत न मिलने की वजह से अब तक इस पर जांच शुरू नहीं की गई है। खेड़ा ने यह भी दावा किया है कि फ्रेंच मैगजीन ने ये लिखा है कि अमित शाह से अच्छे रिश्ते के चलते ही दशा एविएशन ने सुषेण गुप्ता की सेवाएं ली थी। भाजपा को घेरते हुए खेड़ा ने कहा कि भाजपा सुबह से शाम तक सिर्फ कांग्रेस को कोसती है। डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया। वहीं खेड़ा के इल्जामों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या 2012 से 2017 के बीच अमित शाह देश के गृह मंत्री थे? क्या सोनिया गांधी ने अमित शाह से चर्चा करने के बाद सुषेण गुप्ता को रखा था? पात्रा ने यह भी कहा कि अब मूर्ख बनाने का वक्त नहीं रह गया है। अगर 500 करोड़ रुपए में लड़ाकू जहाज आ रहा था तो सौदा इतने सालों तक क्यों लटका रहा? तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने क्यों कहा था कि हमारे पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है? आपको बता दें कि अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सियासी पार्टियों की बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में आए दिन टीवी चैनलों पर डिबेट भी छिड़ी रहती है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दो बोल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।